हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे का सर गिलबिला होना या काफ़ी जो सॉफ्ट रहता है बच्चे का सर, तो काफ़ी पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि बच्चे का सर बहुत ज़्यादा नर्म है, सॉफ्ट है बिल्कुल, उसमें कभी कभी कंपन होते हुए दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण है और किस स्थिति में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो आज हम ये जानेंगे। डिलीवरी के समय जब बच्चा जन्म नालिका से गुजरते समय बाहर आता है तो जो बच्चे का सिर है वो मोल्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चे का सिर काफ़ी सॉफ्ट रहता है, हड्डियाँ पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। वो डिलीवरी के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 2 साल के आसपास धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। जो सर का शेप है वो अपनी पोजिशन में सही स्थिति में आने लगता है, तो आप इसमें बिल्कुल भी ना घबराइए, बिल्कुल नॉर्मल है और सभी बेबी का इसी तरीके से जो सर है वो होता है, क्योंकि उस समय हड्डियाँ इतनी विकसित नहीं होती हैं। डिलीवरी के समय बच्चा काफ़ी छोटी जगह से निकलता है, जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बच्चा उस शेप में आकार में आ जाता है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है और सभी बेबी के साथ होता है, क्योंकि बेबी का सिर काफ़ी सॉफ्ट रहता है और वो सॉफ्ट हुआ जो बीच में आप देखेंगे कभी कभी आपको जो कंपन होता वह दिखाई देता है, तो उसको सॉफ्ट स्पॉट या फंडा नेल कहते हैं। बेबी के सिर पर 2 जगह होता है, एक आगे की तरफ होता है और एक पीछे की हर तरफ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी बेबी में इसका माप सेम हो, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं तो सभी बच्चों में इसका जो शेप है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो बेबी के जो सिर के पीछे वाले स्थान को यानी कि जगह को पोस्टेरियर फंडा नेल कहते हैं। ये फंडा नेल छोटा और आकार में तिकोना होता है। सिर के बीच वाला स्थान आपको दिखेगा जिसे एंटेरियर फंडा नेल कहते हैं, ये बड़ा होता है। इसका आकार हीरे की तरह या पतंग की तरह आपको दिखाई देता है और ये धीरे धीरे इसमें कभी कभी आप देखेंगे कि कंपन हो गई तो कभी भी आप सिर की मसाज करते हैं, हेड मसाज करते हैं बच्चे का, तो ज़्यादा जोर ना दीजिए, बच्चे के सर पर ज़्यादा दबाव ना दें, हल्के हाथों से ही करिए। इसके साथ ही जो बच्चे का सिर रहता है उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये नेचुरली होता है क्योंकि खुद ही ठीक हो जाता है। काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि बेबी का जो सिर है वो आड़ा टेढ़ा है, लंबा है, ये शंकु के आकार का है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका जो पोजिशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 2 साल के आसपास आपके बच्चे का सर बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना है कि बच्चा एक ही तरफ ज़्यादा करवट लेकर ना सोया रहे, क्योंकि इससे भी सर का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, या तो बच्चा राइट ही लेफ्ट ज़्यादा सोता है या लेफ्ट ही ज़्यादा सोता है तो बच्चे का सर का आकार बिगड़ सकता है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जैसे रई वाला पिलो रहता है उसको लगाइए, सॉफ्ट वाला पिलो लगाइए, बच्चे को करवट दे देकर सुलाइए, जिससे बच्चे के सर का आकार बराबर और अच्छा बना रहेगा। अब आपको ऐसा कौन सा फंटा नेल जो दिखाई देता है आप देखेंगे बच्चे के सिर पर, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे का जो फंटा नेल है वो बिल्कुल सही पोजीशन में नहीं है, तब आपको आपके डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे का आपने सर ध्यान से देखा हो तो अगर बच्चे का धंसा हुआ फंटा नेल है तो ये शरीर में पानी की कमी को बताता है कि बेबी की डिलीवरी के समय जो छोटी सी उसमें से नली में से आता है जिसे मोल्डिंग कहते हैं, तो हो सकता है धंसा हुआ हो, तो तब शरीर में पानी की कमी को बताता है। तो आप पर्याप्त मात्रा में खूब पानी पीजिए, तो बच्चे को भी अच्छी फीडिंग करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की कमी है वो दूर होगी। सेकंड हुआ उभरा हुआ फंटा नेल, अगर उभरा हुआ है तो इसे मेनिजाइट्स बीमारी का संकेत हो सकता है, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। बच्चों का जो रिलेटेड डॉक्टर रहते हैं, बेबी शिशु रोग विशेषज्ञ, उन्हीं को दिखाइए। इसके साथ ही आप जब भी बच्चे के सिर की मालिश करते हैं तो ज़्यादा दबाव ना डालिए, बच्चे को कंफर्ट लगे। अगर बच्चा सर को हाथ लगाते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसको कंफर्ट नहीं लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, तो आप उसके सर की मालिश ना करें। बच्चे को नहलाते समय भी हल्के हाथों का इस्तेमाल कीजिए बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि बच्चे के सर पर पपड़ी जमी रहती है तो वो धीरे धीरे खुद ही खींचती है और बच्चे की जो स्किन है वो विकसित होने लगती है, तो आप ज़्यादा जोर ना लगाएं, ज़्यादा दबाव ना लगाएं। बच्चे के हल्के हाथों से तेल से मालिश करें जिससे वो पपड़ी धीरे से निकलेगी और जो फंटा नेल है उसको 2 साल के आसपास हो जाएगा। वैसे हमारे इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है। फंटा नेल 5 तरीके के होते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, 2 एक बीच में होता है, 3 और 2 फंटा नेल जो होते हैं वो कान के आसपास होते हैं, जो वो दिखाई नहीं देते हैं, जो मेन रहते हैं एक तो सर के ज़्यादा पीछे और आगे वाला वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, काफ़ी नॉर्मल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस।